हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो आज की वीडियो में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आप अपने डिवाइस में यहाँ पे ये जो हाइपर ओएस वाला कंट्रोल सेंटर है उसे कैसे इनेबल कर सकते हो, जो कि आपको काफ़ी अमेजिंग देखने को मिल जाता है। आप अपने रेडमी शाओमी डिवाइस में इसे इनेबल कर सकते हो, आपको काफ़ी अमेजिंग ये देखने को मिलता है, जो कि आप चेक कर सकते हो। काफ़ी स्मूथ आपको यहाँ पे वर्किंग करता हुआ देखने को मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हो हर टॉगल आपको यहाँ पे वर्किंग करता हुआ देखने को मिलेगा। काफ़ी अमेजिंगली ये आपको वर्किंग करता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पे आपको ये म्यूजिक का बार भी देखने को मिलता है, यानी म्यूजिक प्लेयर देखने को मिल जाता है। इस पर क्लिक करोगे तो आपका डायरेक्टली यहाँ पे म्यूजिक ओपन हो जाता है और आप यहाँ से म्यूजिक को प्ले कर सकते हो। म्यूजिक को प्ले करोगे तो आपको यहाँ पे म्यूजिक शो हो जाएगा, और कोई भी यूट्यूब वीडियो को भी प्ले करते हो तो वो भी आपको यहाँ पे शो होगी, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। सो आगे चल के मैं वीडियो में बताता हूँ आपको इसे कैसे इनेबल करना है, और आपको मैं हाइपर ओएस के जो स्टॉक वॉलपेपर्स है वो भी प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यहाँ से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने कंट्रोल सेंटर को बिल्कुल पहले जैसा कर लिया है। तो न्यू कंट्रोल सेंटर को कैसे इनेबल करना है वो जानने से पहले आपको मैं बता देता हूँ आपको इसे डाउनलोड कैसे करना है, जो हाइपर ओएस के जो स्टॉक वॉलपेपर्स हैं, और जो इसके लिए आपको एक एपीके चाहिए होगा न्यू कंट्रोल सेंटर के लिए, उसे आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आपको दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का डायरेक्ट लिंक है, अदरवाइज आपको क्या करना है, अगर वो लिंक वर्क नहीं करता है टेलीग्राम पर डायरेक्ट आ जाइएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का नेम सर्च करना है। सर्च करने के बाद इस पर क्लिक करके इसे ज्वाइन कीजिएगा, आपको ये दोनों फाइल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। एक आप चेक करोगे आपको यहाँ पे एपीके फाइल देखने को मिलेगी, और एक यहाँ पे जिप फाइल देखने को मिलेगी, जो कि वॉलपेपर्स के लिए। इन दोनों को डाउनलोड करके सेव टू डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ये फाइल मैनेजर में देखने को मिल जाएगी, जो कि आप चेक करोगे आपको ऐसी देखने को मिलेगी। आपको इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे वॉलपेपर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि मैं आपको चेक करवा देता हूँ। कुछ ऐसे वॉलपेपर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो कि काफी अमेजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये जो है ऑल न्यू हाइपर ओएस के जो स्टॉक वॉलपेपर्स आपको देखने को मिलते हैं, काफी अमेजिंग वॉलपेपर्स हैं। जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। अब बात करते हैं आपको हाइपर ओएस वाला न्यू कंट्रोल सेंटर कैसे डाउनलोड करना है। उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप आपको करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐप्स के सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे ऐप्स पे आने के बाद आपको मैनेज ऐप्स में आना है। यहाँ पे आने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके आपको शो ऑल ऐप्स पे क्लिक करना है। सर्च ऐप्स पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्च कर लेना है सिस्टम, लिख के सर्च कीजिएगा सिस्टम यूआई, लिख के सर्च कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे प्लगइन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल अपडेट का कोई ऑप्शन देखने को मिलता है, उस पर क्लिक करके आपको एक बार अनइंस्टॉल अपडेट कर देना है। इससे क्या होगा, अगर आपने कोई भी यहाँ पे एपीके इंस्टॉल किया होगा इससे पहले, तो आपका अनइंस्टॉल हो जाएगा और आप यहाँ पे नॉर्मल में स्विच हो जाओगे। तो अब आपको क्या करना है, उसके बाद आपको आ जाना है फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में आने के बाद जो भी आपने एपीके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड किया होगा या फिर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड किया होगा, उसे आपको क्लिक करके अपडेट कर लेना है। तो ये जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया है, उससे क्या होगा, अगर आपको यहाँ पे अपडेट करने के बाद कोई ऐसा पार्सिंग पैकेज वाला प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा, तो वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिंपली आप अपडेट पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, जो कि आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, आपका सिंपली यहाँ से अपडेट हो जाएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी और कोई भी रिस्क भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑफिशियल है, जो कि आप देख सकते हो पास्ट सिक्योरिटी टेस्ट नो रिस्क डिटेक्टेड, यानी कोई भी रिस्क नहीं है। अब आप यहाँ पे देखोगे ये अपडेट हो चुका है, और आपको यहाँ पे न्यू कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाएगा, जो कि परफेक्टली वर्किंग है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो आपको ऐसा वर्किंग करता हुआ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैं म्यूजिक भी आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे मैं यहाँ पे म्यूजिक वाले एप्लीकेशन में आता हूँ, और यहाँ से मैं म्यूजिक को प्ले करता हूँ, तो आप देखोगे आपको वो वाला म्यूजिक यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में शो हो जाएगा, जो कि काफ़ी अमेजिंग आपको देखने को मिलता है। आप यहीं से पॉज या प्ले कर सकते हो, प्रीवियस नेक्स्ट भी कर सकते हो, परफेक्टली वर्किंग करता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। और कोई भी यूट्यूब की वीडियो भी प्ले करोगे तो वो भी आपको यहाँ पे शो होगी, जो कि काफ़ी अमेजिंग आपको देखने को मिल जाता है। और अगर इसे आप नॉर्मल में स्विच करना चाहते हो, आपको नहीं पसंद आता या फिर कुछ ग्लिच देखने को मिलता है, तो आपको क्या करना है, दोबारा सेटिंग्स में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद दोबारा ऐप्स के सेक्शन में आइएगा, वही सेम स्टेप आपको दोबारा करना है, मैनेज ऐप्स में आइएगा। यहाँ पे आने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे शो ऑल ऐप्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सर्च ऐप्स में जाके सिस्टम को सिलेक्ट कीजिएगा। सिस्टम को जैसे सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे ये देख लीजिए प्लगइन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको क्या करना है, अनइंस्टॉल अपडेट पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक कीजिएगा, आपके ये जो अपडेट्स हैं वो अनइंस्टॉल हो जाएंगे। उसके बाद बैक कर देना है आपको। जैसे ही बैक आओगे तो आप देखोगे आपका ये जो नॉर्मल कंट्रोल सेंटर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये थी आज की कुछ वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।